Hello friends, today we will do chapter number 2, Rip Van Winkle. Along with the reading, I will explain you the chapter also. One day, Rip Van Winkle. Friends, here Rip Van Winkle is the name of a person. Fell asleep and when he woke up, he had become an old man. अब एक पर्सन है रिप वैन विंकल जो रात को सो जाता है और जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो एक बूढ़ा इंसान बन चुका है. रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन. ही स्लेप्ट द होल डे. रिप वैन विंकल एक बहुत आलसी बंदा था. वो ज़्यादातर पूरे दिन रात ही सोता रहता था. His wife tried her best to get Rip Van Winkle take up a job. Rip Van Winkle married था. अब उसकी जो wife थी वो चाहती थी कि वो rest ना करे, मतलब वो दिन रात सोए ना, कुछ काम करे, कोई job करे. When he did get a job, he was asked to leave because he slept too much. पर जब Rip Van Winkle को कोई job मिलती थी तब वो वहाँ जाकर भी सो जाता था, इसलिए उसे कहा जाता था कि तुम इसे छोड़ दो, तुम ये नौकरी के लायक नहीं हो. वन डे रिप वैन विंकल ट्राइड ऑफ हिज वाइफ टेलिंग हिम टू गेट ए जॉब रैन अप अ माउंटेन विद हिज फेवरेट कंपेनियन हिज डॉग. एक दिन रिप वैन विंकल अपनी वाइफ से परेशान हो जाता है और उसे झूठ बोलता है कि उसे एक जॉब मिल गई और एक पहाड़ पर चढ़ जाता है अपने फेवरेट कंपेनियन के साथ, मतलब अपने दोस्त के साथ जो था उसका डॉग, उसका कुत्ता. ही रीच्ड द टॉप क्रॉस्ड अ स्ट्रीम वेंट टू अ स्पॉट वेयर द नोबडी एवर केम एंड ही सैट डाउन देयर. अब वो अपने डॉग के साथ उस हिल के ऊपर चलता है, उस माउंटेन को क्रॉस करता है, उसके बाद एक स्ट्रीम आती है उसको क्रॉस करता है, फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ कर बैठ जाता है जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता. अब क्या होता है, ही हैड नेवर सो मच एक्सरसाइज्ड इन हिज लाइफ. जैसे रिप वैन विंकल बहुत लेजी था, उसने कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज भी नहीं की थी, इसलिए उसे बहुत थकावट हो गई थी. He was just getting back his breath when he heard someone call his name, Rip Van Winkle. अब जब वो रेस्ट कर रहा होता है थोड़ी देर बाद उसको कुछ आवाज़ आती है कि कोई उसे उसके नाम से बुला रहा है, तो वो उठ जाता है. Strange, nobody knows me here, then who is calling me, thought Rip Van Winkle. अब जो रिप वैन विंकल पर्सन है वो सोचते हैं कि मैं तो ऐसी जगह पर आकर बैठा हूँ जहाँ कोई नहीं रहता और यहाँ पे मेरा नाम भी किसी को नहीं पता, फिर मुझे कैसे बुला रहे हैं, मेरे नाम से मुझे कैसे कोई बुला सकता है. ही टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ फनी लुकिंग मैन कैरिंग अ बिग बैरल. अब जब वो आसपास देखता है कि मुझे कोई बुला रहा है तो उसे एक बहुत जोकर टाइप का मैन दिखाई देता है, मतलब बहुत फनी लुकिंग होता है और उसके हाथ में एक बैरल होता है. दोस्तों, बैरल एक कंटेनर होता है जो मेटल या वुड का बना होता है. जैसे हम पिकनिक पे जाते हैं तो हम एक बॉक्स उठाते हैं, उसे भी हम बैरल कह सकते हैं. द फनी लुकिंग मैन सेड, प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स अ लिटल ब्लो द स्ट्रीम. अब जो फनी लुकिंग मैन होता है उसके हाथ में एक बैरल होता है, वो रिप वैन विंकल से रिक्वेस्ट करता है कि इस बैग को मुझे मेरे फ्रेंड्स तक पहुंचा दो. वो बस स्ट्रीम के थोड़े लेफ्ट साइड पे है. रिप वैन विंकल हैड क्लाइम्ड सो फार अप द माउंटेन टू अवॉइड वर्क. अब जो रिप वैन विंकल होता है, जो पर्सन होता है, वो सोचता है कि अभी तो मैंने इतना बड़ा माउंटेन क्लाइम किया है ताकि मुझे काम से बच सकूँ, मैं काम से छुटकारा पा सकूँ. हियर वॉज अ मैन आस्किंग फॉर हेल्प.
He first decided to refuse, but then thought, "Let me help the poor man, then I can rest." अब जो रिप वैन विंकल है वो बहुत लेजी था, तो सोचता है पहले कि मैं इस बंदे को मना कर दूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और कहता है कि हाँ चलो कर ही देता हूँ, फिर इसका काम जब हो जाए उसके बाद रेस्ट कर लूँगा। So he and the funny looking man walked down to a cave in the mountain below the stream. अब जो रिप वैन विंकल है उस फनी लुकिंग मैन के साथ स्ट्रीम के नीचे केव में चला जाता है। The Rip Van Winkle saw many other funny looking men. All of them were plain. They ignored him. अब रिप वैन विंकल जैसे ही अंदर जाता है तो उसे बहुत सारे फनी लुकिंग मैन दिखते हैं। जो उससे हेल्प मांगने आया था वैसे ही बहुत सारे और दिखते हैं। वो सारे फनी लुकिंग मैन उसकी तरफ देखते हैं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों इग्नोर का मतलब होता है पे नो अटेंशन, मतलब किसी की तरफ ध्यान ना देना। देख लिया पर ध्यान ना दिया, ऐसे किया कि उसे लगा कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। As soon as the barrel was placed on the ground, the men pulled out mugs, dipped them into the barrel and drank something. It was strange, sweet drink. अब जैसे ही वो बैरल को रिप वैन विंकल बैरल को ग्राउंड पर रखता है, जो फनी लुकिंग मैन था उसमें से मग्स निकालता है, उसे बैरल में डिप करता है और कुछ पी जाता है उसमें से। वो बहुत अजीब सी चीज थी, एक मीठी चीज थी कोई। रिप वैन विंकल टू डिप द मग इन द बैरल एंड ड्रैंक इट, इट टेस्टेड गुड। ही हैड वन मोर मग। आफ्टर हैविंग थ्री मग्स ही फेल असलीप। अब क्या होता है, जो रिप वैन विंकल होता है वो भी सोचता है कि अब मैं भी लूँगा, तो वो भी एक मग उसमें पाता है और पी जाता है, तो उसे वो अच्छा लगता है। जब वो तीन मग पी लेता है तब उसे बहुत नींद आती है और वो वहीं पे सो जाता है। When he awoke, he saw that all the funny looking man had gone. अब जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि सारे फनी लुकिंग मैन चले गए हैं। He called out to his dog, but there was no response. He could not believe he had slept the whole day and night. He got up. His joints ached. अब जब वो उठते हैं वो देखते हैं कि सारे फनी लुकिंग मैन चले गए हैं, और अब वो जब अपने डॉग को भी आवाज़ मारता है तब भी कोई आवाज़ नहीं आती। अब उसे विश्वास नहीं होता कि वो पूरा दिन रात सो गया विदाउट अ ब्रेक, बिना रुके वो दिन रात सोया। और जब वो उठने की कोशिश करता है उसके कूनियों और घुटने में बहुत दर्द होती है। As he started walking back home, he saw the village down below, which somehow seemed changed. When he entered the village, he saw new faces. All the people looked at him and rubbed their chins. अब जो रिप वैन विंकल होता है जब अपने घर वापस जा रहा होता है तब वो देखता है कि गांव थोड़ा दूर लग रहा है उसका, जहाँ से वो आया, जिसमें उसका घर है ना, जिस गांव में उसका घर है वो देखते हैं ये थोड़ा दूर लग रहा है। अब वहाँ जाकर जब उन बंदों से मिलता है, उन पर्सन से मिलता है गांव के, अपनी वाइफ से, तो वो थिंक करते हैं कि ये बंदा कौन है, उन्हें पहचान नहीं आती। सीइंग देम डू दिस, रिप वैन विंकल डिड द सेम। अब उनको देखकर रिप वैन विंकल भी ऐसे ही करता है, उन्हें भी रिप वैन विंकल की पहचान नहीं आती और रिप वैन विंकल को भी अपने गांव की लोगों की पहचान नहीं आती। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट ही हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग बियर्ड ओवरनाइट। अब उसे बहुत हैरानी होती है कि एक रात रात में उसकी एक फुट दाढ़ी बढ़ गई है। रिप वैन विंकल वॉज पजल्ड। He believed that he knew most of the village folks well.
अब रिप वैन विंकल कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि उसे सबके बारे में अच्छी तरह पता है। बट टुडे ही कुड नॉट सी एनीवन हु वाज नोन टू हिम। द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम रनिंग बिहाइंड हिम। रिप वैन विंकल स्टॉप्ड बाय अ प्लेस वेयर देयर हैड बीन अ स्कूल एंड आस्क्ड द क्राउड दैट हैड गैदर्ड वेयर इज द स्कूनर द स्कूल मास्टर। समबडी आस्क्ड Oh, Schooner? He went to war in 63 and never came back. आज जब वो विलेज जाता है तब उसे किसी की पहचान नहीं होती। उसे विश्वास होता है कि उसको किसी की तो पहचान होगी पर उसे किसी की पहचान नहीं आती। वो किसी को पहचान नहीं पाता। अब रिप वैन विंकल जो है उसकी इतनी लंबी दाढ़ी हो गई थी तो बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। तो वो एक ऐसी जगह पे जाके रुका जहाँ बड़े सारे बंदे स्कूल के बाहर रुके हुए थे और स्कूल मास्टर के बारे में पूछ रहे थे। एंड वैन डिमल आस्क रिप वैन विंकल और रिप वैन विंकल पूछता है वैन डिमल के बारे में। ही डाइड 18 ईयर्स बैक Said another voice in the crowd. अब जो रिप वैन विंकल है वो वैन डेमल के बारे में पूछता है तो क्राउड में से एक पर्सन की आवाज़ आती है कि वो 18 ईयर्स पहले मर चुका था। रिप वैन विंकल थॉट एम आई गोइंग मैड हैड आई स्लेप्ट ऑल दीज ईयर्स ऑन द माउंटेन। रिप वैन विंकल सोचता है क्या मैं पागल हो गया हूँ, क्या मैं इतने सारे साल सो गया पहाड़ों पे। फाइनली रिप वैन विंकल आस्क डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल। अ वुमन सेड यस ही वाज माय फादर। ही वेंट अप द माउंटेन्स 21 इयर्स बैक बट नेवर रिटर्न्ड। हिज डॉग केम बैक विदाउट हिम। अब रिप वैन विंकल उस क्राउड से पूछता है कि कोई रिप वैन विंकल को जानता है तो एक वुमेन खड़ी है और कहती है हाँ कि वो मेरे पापा थे। तो कहती है कि वो 21 ईयर्स बैक 21 साल पहले पहाड़ों पर गए थे और उसके बाद कभी नहीं वापस लौटे। उनका जो डॉगी था उनका कंपेनियन जो बनकर गया था वो उनके बिना ही वापस आ गया। Rip Van Winkle was overjoyed. He said, "Daughter, it is me, Rip Van Winkle. Don't you recognize me?" Rip Van Winkle को बहुत खुशी होती है। वो अपनी डॉटर के गले मिलता है और उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं Rip Van Winkle ही हूँ। Oh, my father, it's really you? Where? Have you been all this while? Said his daughter. Father and daughter hugged each other. Rip Van Winkle had indeed slept for 21 years. अब जो वुमेन होती है वो भी बहुत एक्साइटमेंट में होती है, वो भी ओवरजॉयड होती है और वो कहती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम इतने साल से कहाँ गए थे। वो कहता है कि मैं 21 साल पहले पहाड़ों पर गया था और मैं बेहोश हो गया था। अब फादर और डॉटर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और वो खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। फ्रेंड्स, दिस स्टोरी इज रिटन बाय वॉशिंगटन आर्विंग। फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस स्टोरी We get a moral. Do you know what is this moral? Yes, the moral is one should not be lazy. हमें कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए. Thank you, friends.